क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 14.53। आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज द मशीन ऑन 1 जुलाई 2015 फॉर ₹1,80,000 एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हम लोगों ने 1 जुलाई 2015 को मशीनरी वन परचेज की 1,80,000 की और उस पर ₹20,000 इंस्टॉलेशन में लगे। ईयर हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। पहला साल क्लोज होगा 31 मार्च 2016 को। आगे कह रहे बेटे 1 अप्रैल 2016 को वो एक और मशीन भी परचेज कर रहा है ₹2,40,000 की, यानी एकदम नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2016 को। M2 परचेज कर रहा है ₹2,40,000। ईयर क्लोज हो गया। ₹31 मार्च 2017 को एक अक्टूबर 2017 को वो M1 को सेल कर रहा है बेटे, M1 को सेल कर रहा है ₹1,45,000। यहाँ पर जीएसटी की बात भी कर रहा है बेटे कि वो सेल करते वक्त कुछ जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपने जीएसटी को इग्नोर करना है। जीएसटी को इग्नोर करना है, चाहे आप जीएसटी पे करें या कलेक्ट करें, आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है बेटे 1 जनवरी 2018 को वो एक और मशीन परचेज कर रहा है ₹4,00,000। एक जनवरी 2018 को वो M3 परचेज कर रहा है ₹4,00,000। यहां पर भी IGST की बात हो रही है, आप उसको इग्नोर करें और ईयर क्लोज हो जाएगा बेटे हमारा 31 मार्च 2019। ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2019। डेप्रिसिएशन रेट जो है क्वेश्चन में रखा गया है 10% पर है। आप लोग जल्दी से इसको नोट, बच्चे जल्दी नोट करें।
जल्दी से नोट करें हम लोग। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं बेटे, बहुत समझदारी से बनाएंगे सब बच्चे साथ साथ। बहुत समझदारी से बनाएंगे। 1 जुलाई, टू बैंक 1,80,000 और 20,000, 2 लाख एम्बा। ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 पहला साल क्लोज हो रहा है। बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट $2 लाख इंटू 10% इंटू जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स नहीं बेटे, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। 2 लाख का 10% इंटू 9/12 15,000, 31 मार्च 2016 2 लाख माइनस 15,000 1,85,000, पहला साल तो कंप्लीट। बेटे आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2016 नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे मशीनरी टू भी परचेज कर रहा है 2,40,000, ठीक है सर। 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी M1 1,85,000, 1 अप्रैल 2016 टू बैंक M2 2,40,000। ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2 1,85,000 का 10%, 2,40,000 का 10%, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन में, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी सर 18,500, 24,000, 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सीडी
M1 or M2? ₹1,85,000 प्लस ₹2,40,000, ₹4,25,000। ₹1,85,000 माइनस ₹18,500, ₹2,40,000 माइनस ₹24,000, ₹1,66,500। ₹2,40,000 माइनस ₹24,000, ₹2,16,000। 2 साल कंप्लीट हो गए बच्चों। आप ऊपर वाले लाइन डायग्राम में देखो, मैं यहां तक आ चुका हूं। पहला साल ये 9 मंथ्स का डिविजन लगा, M1 का बैलेंस रहेंगे। नेक्स्ट ईयर दोनों मशीनरीज पर बैलेंस लगा, दोनों मशीनरीज पर डिविजन लगा, M1 पर भी लगा और M2 पे भी लगा, और दोनों मशीनरीज का बैलेंस भी आ गया, M1 और M2 का बैलेंस। 31 मार्च 2017। अब बेटे हमें नेक्स्ट ईयर जाना है, हमें नेक्स्ट ईयर जाना है, और नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको देखना है बेटे, 1 अक्टूबर 2017 को M1 को सेल किया जा रहा है और 1 जनवरी 2018 को M3 को परचेज किया जा रहा है। जी सर, 31 मार्च 2018 है, 31 मार्च 2018। ठीक है सर, पहले यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। एक अप्रैल 2017, M1, M2, 1,66,500, 2,16,000, 1 अक्टूबर 2017 को M1 को सेल किया जा रहा है। M1 को बेटे, M1 1 अक्टूबर तक तो हमारे साथ चली, बाय डेप्रिसिएशन M1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर देखना है बेटा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो बिक रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, 1,66,500, 10%, 6 महीने, 1,66,500 का 10%, 6 महीने के लिए, 8,325। वर्किंग नोट, 1,66,500 माइनस 8,325 बैलेंस रह गया 1,58,175। ये मेरी कॉस्ट है बेटे 1 अक्टूबर 2017 को, और हम इसको सेल कर रहे हैं 1,45,000। हम लोगों को लॉस कितना आ गया? लॉस आ गया 13,175 रुपये। तो अब यहां पे लिखेंगे बाय बैंक सेल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉ 13,175।
M1 पे डेविशन लग गया, M1 बिक गई और M1 पे लॉस आ गया। इसी साल सेम ईयर हमने 1 जनवरी 2018 को M3 परचेज भी किया है। टू बैंक M3 ईयर क्लोज हुआ बेटे 31 मार्च 2018। एक तो M2 का डेप्शन लगेगा और एक M3 पे डेप्शन लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन M2 M3 M2 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से 31 मार्च 2,16,000 का 10%, 21,600। यहां पे 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ₹4,00,000 का 10% 3 महीने के लिए, ₹10,000। यहां पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा M2 और M3 2,16,000 माइनस 21,600, 4,00,000 माइनस 10,000, 3,90,000, 2,16,000 माइनस 21,600, 1,94,400। अगर आप बेटे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें ना, आप इसके कॉन्सोलिडेट बैलेंस को देखें, 1,94,400 और 3,90,000, बेटे ये आएगा 5,84,400। आप देख लो बेटे आपकी बुक्स में यही बैलेंस दिया होगा, वहां पे टोटल बैलेंस दे देते हैं और हम लोग इंडिविजुअल बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल है 7,82,500। आपका आंसर कंप्लीट। चलो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, आपको मैंने पूरे 5 मिनट दे दी। अब इंपॉर्टेंट लिखो बेटे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट लिखो बेटे। अ कंपनी परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। इट फर्दर परचेज मशीन ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग ₹10,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन थर्ड ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015 बिकेम ऑब्सोलीट, वन थर्ड मशीनरी खराब हुई।
and was sold for rupees 3000, the company follow financial year as accounting year. So how the machinery account would appear in the books of company if deduction is charged at the rate 10% per annum on written down value method? ठीक है, पहले एक बार लाइन डायग्राम बनाते हैं. एक जुलाई 2015 मशीनरी वन 30,000 ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2016 इसी साल 1 जनवरी में 2016 में मशीनरी टू परचेज की जा रही है 20,000 यहां पे जाके बेटे 1 अक्टूबर 2016 के अंदर एक और मशीनरी परचेज की जा रही मशीनरी 3 10,000 ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2017 दो साल कंप्लीट हो गए तीसरे साल के पहले दिन थर्ड ईयर के फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2017 को जो फर्स्ट मशीनरी है M1 जो मशीनरी है उसका वन थर्ड पार्ट ऑब्सोलीट हो गया मतलब बेटे वो खराब हो गया उसका वन थर्ड पार्ट खराब हो गया और उसको सेल कर दिया 3,000 ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2018 तो पहला साल तो ये हो गया दूसरा साल ये हो गया 2017 का और तीसरा साल बेटा ये हो गया जिसमें ये वन थर्ड पार्ट बिकेगा पहले दिन तो अब आप लोग ना अपने माइंड में इस बात को अच्छे से लेकर आओ मैं बात पहले भी कर चुका हूं कि अगर किसी मशीनरी का कोई पार्ट फ्यूचर में सेल होता है तो आप उसको बेटे फर्स्ट डे से ही दो पार्ट में लेके चलो एक 2/3 कर लो और एक 1/3 कर लो 1/3 तो आगे जाकर सेल हो जाएगा 2/3 जो हमारे साथ रिमेनिंग रह जाएगा पता है कैसे लगेगा बेटे टोटल 1 मान लो 1 में से 1/3 जो आगे सेल होगा तो रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा मेरे पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा 2/3 रिमेनिंग पार्ट ऑफ मशीन 2/3 रहेंगे 1 minus 1/3, 2/3 बेटे ये तो आगे जाकर सेल हो जाएगा और ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड चलेगा ठीक है बेटा तो यहां पर इसको फर्स्ट डे से अलग अलग कर लेते हैं थर्टी थाउजेंड का 1/3
1/3 10,000, 2/3 20,000. मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2015, 2 बैंक M1, M1 का एक 2/3 पार्ट कर लेते हैं, एक 1/3 पार्ट कर लेते हैं, 20,000 10,000 1 जनवरी 2016, M2 भी परचेज करते हैं, M2 परचेज होगी बेटे इस हमारे पास 20,000 रुपए की, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन 1 के दो पार्ट हम लोगों ने कर रखे, एक 2/3 पार्ट, एक 1/3 पार्ट। बेटे जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स हो गए। 20,000 का 10%, 9 मंथ्स, 10,000 का 10%, 9 मंथ्स, 20,000 का 10% इंटू 9/12, 1500, यहां पर आएगा 750, और M2 पे कितना आएगा डेप्रिसिएशन बेटे, 20,000 का 10%, जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 20,000 का 10%, 3/12, 500, 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सीडी 2/3, 1/3, 20,000 - 1,500, 18,500, 20,000 - 1,500, 10,000 - 750, 9,250, 20,000 - 500, 19,500, 1st year complete, 1st year complete, 1st year तो हमारा कंप्लीट हो गया, जुलाई से लेकर 31 मार्च 2016 था। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, जिसमें सिर्फ ये एक ट्रांजेक्शन बीच में हो रही है, यहाँ पर हम लोग M3 परचेज कर रहे हैं 10,000, ठीक है सर। क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं है, बस बेटे कैलकुलेशन है थोड़ी सी। 1 अप्रैल 2017 बैलेंस पीडी, M1 का 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट,
18,500, 9,250, 19,500, और बेटे 1 अक्टूबर मैंने बेटा डेट शायद यहाँ गलत लिख दी, ये 16 है 2016, एक अप्रैल 2016, 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम, M3, 10,000 रुपये। March 31, 2017 by depreciation, M1 का 2/3 part, 1/3 part, और M3 पे depreciation लगेगा बेटे अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। यहाँ पे पूरे साल का डेप्शन लगेगा 1850 करके दिखा दूं, 18,500 का 10%, 9,250 का 10%, 19,500 का 10%, 925, 1950। 31 मार्च 2017 क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, 18,500, 9,250, 18,500 -1850 9,250 -925 19,500 -1950 10,000 -500 18,500, 9,250, 19,500, 10,000, 57,250। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आ जाओ बेटे, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आ जाओ, एक अप्रैल 2017 M1 का 2/3 part, 1/3 part, M2 और M3 16,650, 8,325, 17,550, 9,500 बेटे ये सेल हुआ, थर्ड ईयर के फर्स्ट डे ये सेल हुआ है,
ये सेल होगी 1 अप्रैल 2017 को 3,000 रुपए का सेल। एक अप्रैल 2017 बाय बैंक सेल 3,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस लॉस 8,325 माइनस 3,000 5,325 का लॉस आ गया। ये मशीनरी सेल। अब आपके पास रहेगी M1 का 2/3, M2 और M3। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन 17,550 का 10%, 9,500 का 10%, 1,755,950 बाय बैलेंस सीडी M1, M2, M3, 16,650 माइनस 1,665, 14,985, 17,550 माइनस 1,755, 15,795, 9,500 माइनस 950, 8,550, 16,650, 8,325, 17,550, 9,500, 52,025 ये आपके पास बैलेंस। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं ना बेटे, 14,985, 15,795, 8,550, तो ये टोटल आएगा 39,330। ये आपका आंसर आ। Three nine double three.